हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भावना और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये वाला मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है करवा चौथ डे मेकअप लुक के लिए। एंड नीचे ज़रूर कमेंट करिए आपको ये कैसा लगा, और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो पाए। सो चलिए जल्दी से देखते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो जैसे आपको पता है ये करवा चौथ डे मेकअप लुक है, तो मैं यहाँ पर वाओ का पर्ल वाइटनिंग सीरम अपने फेस पे लगाऊंगी क्योंकि ये इंस्टेंटली आपके फेस को ब्राइटन अप कर देता है और एक अच्छे मेकअप बेस के लिए बहुत ही परफेक्ट है। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डायना ऑफ लंदन का मैटिफाइंग प्राइमर। ये सिलिकन बेस्ड प्राइमर है जो आपके पोर्स में फिल इन हो जाता है और जिससे आपका एक स्मूथ कैनवस तैयार हो जाता है परफेक्ट बेस के लिए। एंड क्योंकि ये डे मेकअप लुक है, सो मैं यहाँ पर पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैं नाइट लुक के लिए अपना फाउंडेशन यूज़ करूँगी, सो मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे इसको अच्छी तरह से लगा लूँगी। एंड नेक और ईयर्स को कभी मिस मत करिएगा। उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कहीं भी कोई भी फ्लेकीनेस ना रहे और अच्छी तरह से ये बेस रेडी हो सके। सो मेरा बेस यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्स की 3D कॉन्टोर स्टिक लेने वाली हूँ, उसका हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज़ को हाइलाइट करने के लिए, अपने मिडिल फोरहेड को, अपने टिप ऑफ द नोज़ को, जॉ लाइन को और अपनी चिन को हाइलाइट करने के लिए उसको यूज़ करूँगी। उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से वहीं पर इसको ब्लेंड कर लूँगी। अपने बेस को यहाँ पर सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट और इसको एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपने पूरे बेस को सेट कर लूँगी। आईब्रो को फिल इन करने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल जो ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल आती है उसको यूज़ कर रही हूँ और स्ट्रोक्स देते हुए मैं इससे अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। उसके बाद एक स्पूली की हेल्प से अच्छी तरह से कोम करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। यहाँ पर एक ब्राइट पिंक कलर का आई शेडो लेके मैं अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा ऊपर और अंदर तक अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी और सेम कलर बार बार लेके मैं इस कलर को बिल्ड करूँगी ताकि ये मेरी पूरी आईज़ पर पिगमेंटेड रहे। लैक्मे का फेयरी डस्ट आई शेडो लेके इन द शेड गोल्डन उसको अपनी मिडिल आईलेट पर लगाऊंगी और उसको वहीं पर ब्लेंड करूंगी, इधर उधर नहीं फैलाऊंगी। इससे बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट इफेक्ट आता है, आप ऐसा आई शेडो ज़रूर ट्राई करें। एंड लाइनर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का लाइनर ले रही हूँ, बट उसमें थोड़े ग्लिटर हैं एंड ये सूखने के बाद थोड़ा ग्रेइश लगने लगता है। नीचे अपनी आईलेट पर काजल लगा लूँगी एंड सेम पिंक कलर का आई शेडो लेके मैं अपनी वाटर लाइन के साथ साथ भी लगाऊंगी। और अगर आपके पास ग्लिटर आई शेडो हैं तो आप इस करवा चौथ ज़रूर ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें। आईलैशेस को कर्ल करूंगी और उसके बाद अपनी फेक आईलैशेस वियर कर लूंगी एंड मस्कारा लगाऊंगी ताकि जो मेरी फेक आईलैशेस हैं और मेरी रियल आईलैशेस हैं आपस में मर्ज हो जाएं। कॉन्टोरिंग के लिए मैं बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग करूँगी क्योंकि ये डे मेकअप लुक है, सो कॉन्टोरिंग यहाँ पर बहुत विजिबल होती है। सो या तो कॉन्टोरिंग ना करें, अगर करते भी हैं तो बहुत ही कम करें एंड उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें ताकि कोई भी हार्श लाइन ना विजिबल रहे। देन ब्लश के लिए मैं यहाँ पर ADS का ब्लश यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 2। ये बहुत ही डार्क पिंकिश कलर का ब्लश है, उसको अपने चीक्स पर और नेचुरल दिखाने के लिए अपने फोरहेड, नोज़ एंड चिन पर ड्रॉ करूँगी। उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करूँगी और मेरा शेड मूनस्टोन है, ये इन कलर का बेक्ड हाइलाइटर है। मुझे पहले हाइलाइटिंग इतनी पसंद नहीं थी, बट अभी जो मेरा मेकअप में फेवरेट पार्ट है वो यही है, हाइलाइटर यूज़ करना। सो यहाँ पर मैं अपने फेस को हाइलाइट करूँगी, उसके बाद अपनी आईब्रो बोन को भी हाइलाइट करूँगी। लिप शेड के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है मीनाओ किस प्रूफ की शेड नंबर 6, बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल पिंक कलर है। सेकंड है ADS का गाजरी पिंक कलर, सो मैं इन दोनों कलर्स को कंबाइन करूँगी और डैप डैप करके आपस में मर्ज कर दूँगी ताकि एक थर्ड कलर बन सके। एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे करने के बाद मेरा ये मेकअप लुक कम्प्लीट है। एंड मैंने यहाँ पर अपना मंगलसूत्र कैरी किया हुआ है, कानों में और गले में ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी हुई है, मांग में सिंदूर और एक ब्यूटीफुल रेड स्टडेड बिंदी लगाई हुई है। सो मेरा ये मेकअप लुक तैयार है। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए लुक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यू ऑल टेक केयर एंड बाय बाय।